हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है, न्यू एजुकेशन मैथमेटिक्स में। आज हम क्लास 10 का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, जो कि चैप्टर 8 है क्लास 10 का एनसीईआरटी का। तो आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा कि ये किस चिड़िया का नाम है, कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। आज मैं आपको सब बताऊंगा। तो मैंने इधर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिनको हम आने वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री है क्या। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के पिता कौन है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री, हम ट्रिग्नोमेट्री को क्यों पढ़ते हैं। एंड द लास्ट वन इज, हाउ विल वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री, हम ट्रिग्नोमेट्री को कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो हम एक आमतौर पे बोले स्टडी ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन मैं उसको बताता हूं कि ये क्या है। तो जैसे आपके सामने ये लिखा है ट्रिग्नोमेट्री, इधर ये ट्राई का मतलब होता है, मैं इधर नीचे लिखूं, इसका मतलब होता है थ्री, मतलब तीन। इस गॉन का मतलब होता है साइड्स, साइड्स या फिर अपन एंगल बोलें इसको। अब इसमें ये ओ है, इसका मतलब होता है ऑफ, और ये मेट्री है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब मापना। तो इधर से आपको क्या पता चला कि थ्री साइड्स, ये थ्री साइड मिलकर क्या बना लेंगे, या थ्री एंगल मिलकर क्या बना लेगा, ट्राइंगल, ट्राइंगल। और ये मेजरमेंट मतलब कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, मैं इधर लिख दे रहा हूं आपको, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो इधर से आपने ट्रिग्नोमेट्री के मीनिंग क्या समझी, कि हम ट्राइंगल का मेजरमेंट देखेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्राइंगल आपको मालूम है, जिसमें थ्री एंगल या थ्री साइड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूं, इसमें थ्री साइड्स हैं, जैसे ये साइड को मैंने नाम दे दिया ए, इस साइड को नाम दे दिया बी, और इस वाली साइड को नाम दे दिया मैंने सी। अब इधर पर ये तीन एंगल भी हैं, वन टू थ्री। तो ये डिफरेंट एंगल और डिफरेंट साइड्स की हम स्टडी करेंगे, इनके मेजरमेंट को देखेंगे, वही हम उसी चीज को क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। तो इधर से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या निकला, कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पर। कि इसके फादर को, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक फेमस मैथमेटिशियन हिपार्कस को कहा जाता है, हिपार्कस, जो कि ग्रीस में बेबीलोनिया में इनका जन्म हुआ था, 120 BC to 190 BC, मतलब आज से 2,500 साल पहले ही ट्रिग्नोमेट्री का जन्म हो गया था, जिसके फादर कौन, किसको कहा जाता है, हिपार्कस को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्यों किया जाता है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, why do we study the trigonometry? तो चलिए देखते हैं, आज से मतलब कि आज से नहीं अभी मतलब कि देखा जाए तो हम जो बिल्डिंग्स वगैरह रहती हैं, उनका जो छत वगैरह रहती है, कितनी इंक्लाइन होनी चाहिए, कितनी झुकी होनी चाहिए, तो उस सब के स्टडी के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। और बहुत सारी जगह पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज ज्यादातर हाइट एंड डिस्टेंस में यूज इसका होता है, ज्यादातर इसका नेवी वगैरह में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसमें हम एंगल को, किसी भी लोकेशन को, कोई भी टाइड्स आएगी, कितनी ऊपर उठ रही है, कितनी नीचे है, तो इस सभी के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री को कैसे पढ़ेंगे, हाउ विल वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री, तो वो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, इस चैप्टर में हम इसी का आंसर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्यों पढ़ते हैं, उसका स्टार्ट कर। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं, अब ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है, तो हम सबसे पहले देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल,
राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें वन एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, और जो रिमेनिंग टू एंगल होते हैं इसके अपन नेमिंग कर दे रहे हैं सबसे पहले, तो इसको नेम मैंने दे दिया ए, इसको बी और सी, जिसमें बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, उसमें तीन साइड होती हैं, जो तीन साइड के भी नाम होते हैं वो हम अभी लिखेंगे। जैसे इधर एंगल ए और एंगल सी है, अब इस एंगल सी को मैं नाम दे दे रहा हूं क्या, थीटा। अब ये थीटा क्या होता है, इसको इस तरीके से लिखते हैं थीटा, इसको मतलब ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर इसका यूज होता है थीटा, ये एक एंगल होता है। अगर थीटा इधर होगा तो इस थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम किससे लिखते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। और ये बात हमेशा याद रखना कि 90 के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। और थीटा के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और थीटा की जो थीटा से लगी हुई साइड है, मतलब एडजेसेंट साइड, इसको मैं मिटा दे रहा हूं अभी, थीटा से एडजेसेंट साइड को हम बोलते हैं बेस, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। जब थीटा इधर होगा, सी की जगह पर होगा, तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड होगी, बेस उसकी एडजेसेंट साइड होगी, और हाइपोटेन्यूस हमेशा 90 के सामने वाली साइड होती है। अगर थीटा मैं इधर बता रहा हूं, थीटा को मैं चेंज कर रहा हूं, ए की प्लेस पर ला रहा हूं, ये मैंने फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ए बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल, अभी मैंने थीटा यहां पर रखा था, तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस वो आप देख रहे हो, अब मैं थीटा इधर पर रख रहा हूं, ठीक है। तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस तो होगी, लेकिन थीटा के सामने, मैंने क्या बताया था, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर इधर थी, ए भी थी, लेकिन अब थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, बीसी हो जाएगी, और बेस क्या हो जाएगी, थीटा से लगी हुई साइड, मतलब एडजेसेंट साइड ए बी क्या हो जाएगी, बेस। तो इधर से हम देखते हैं, जब थीटा सी की जगह पे होगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, और जब थीटा सी की जगह पे होगा तो बेस क्या होगा, बीसी लिख सकते हैं या सी भी लिख सकते हैं, मैं बीसी लिख रहा हूं, लेकिन जब ये थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जब ये एंगल ए की प्लेस पर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी, परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी, और बेस क्या हो जाएगा, ए बी। आपको यही बात थोड़ा ध्यान में रखना है। अब इसके साथ ही एक बहुत ही फेमस थ्योरम आती है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं 10th क्लास में, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इसका यूज होता है। तो क्या होती है थ्योरम, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल रहता है दो स्मॉल साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। मतलब आप दो साइड कौन सी बची, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम कुछ एक एग्जाम्पल बताता हूं, नहीं उससे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताता हूं, तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने से पहले हमको फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होगा। ये मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं, ठीक है। इसमें कितने डिग्री का होगा, 90 का, ये ए बी सी, एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, और मैं जो एंगल है वो मैं इधर मान रहा हूं सी की जगह पर थीटा। अब इधर साइड कौन कौन सी होती है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और थीटा से लगी हुई साइड क्या होगी, बेस। अब ये जो तीनों साइड हैं, इन तीनों साइड का मैं रेशियो लूंगा अलग अलग प्रकार से, तो देखिए क्या क्या आएगा। मैं पहले पी के साथ ले रहा हूं अपॉन में एच, ये रेशियो है, अपॉन को एच रेशियो बोलते हैं। फिर मैं बी के साथ एच ले रहा हूं, ठीक है, और फिर मैं पी के साथ बी ले रहा हूं,
तो ये जो आपको रेशियो दिख रहे हैं, इन रेशियो को एक पार्टिकुलर नाम दे दिया गया है, एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, वो पी अपॉन एच को हम बोलते हैं साइन थीटा। इसको साइन पढ़ना है, सिन नहीं पढ़ना, साइन थीटा। और ये थीटा क्या बताता है? एंगल। तो इधर से हमको क्या पता चला कि पी अपॉन एच रहेगा, मतलब कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइन थीटा बोलेंगे, ठीक है। और अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस रहेगा बी अपॉन एच, तो इसका एक नाम दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। कॉस यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को शो करता है, और थीटा यहां पर एंगल को शो करता है। और पी अपॉन बी रहेगा, ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट थे इसलिए इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम आ रहे हैं। जब पी अपॉन बी रहेगा तो इसको नाम दे दिया टेन थीटा। लेकिन अब आपका मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि पी अपॉन एच किया है, बी अपॉन एच किया है, पी अपॉन बी किया है, क्या इनके उल्टे भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, एच अपॉन पी कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं? एच अपॉन बी कर सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? बी अपॉन पी लिख सकते हैं। तो जब इनकी वैल्यू मतलब चेंज हो जाएगी तो इनके नाम भी चेंज हो जाएंगे। अभी पी अपॉन एच को हम क्या बोल रहे थे? साइन थीटा। तो हम एच अपॉन पी को क्या बोलेंगे? कॉसेक थीटा बोलेंगे, कॉसेक थीटा। मतलब कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन पी। अभी बी अपॉन एच को हम क्या बोल रहे थे? कॉस थीटा। जब हमने इसको उल्टा कर दिया, मतलब एच अपॉन बी कर दिया, तो इसका नाम एक रख दिया हमने क्या? कॉस का सेक। जब ये रेसिप्रोकल कर दिया इसका, जब पी अपॉन बी था तो इसका नाम क्या था? टेन। जब इसको बी अपॉन पी करेंगे तो इसका नाम क्या रख दिया है? कॉस थीटा। अब इन सबको आप ध्यान से देखिए कि पी अपॉन एच में तो साइन आ रहा है और एच अपॉन पी में कॉसेक आ रहा है। तो इससे हमको ये रिजल्ट पता चला, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इससे आपको यह पता चला कि साइन थीटा रेसिप्रोकल है किसके? कॉसेक थीटा के। तो इधर जब साइन था पी अपॉन एच है, और कॉसेक है तो एच अपॉन पी, मतलब इधर से मतलब पता चला कि साइन थीटा इक्वल क्या होगा? कॉसेक थीटा, वन अपॉन कॉसेक थीटा। इसी तरीके से हम सिमिलरली कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? वन अपॉन सेक थीटा। ये फॉर्मूले हैं सेपरेटली, इनको आपको याद करना है अच्छे से। और ये थर्ड से हमको क्या पता चला कि टेन थीटा इक्वल किसके होगा? वन अपॉन कॉस थीटा। तो इधर से हमने ये तीन फॉर्मूले डिराइव किए हैं। अब इधर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं साइन ये कॉसेक को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और इक्वल में क्या बचेगा? वन। तो इधर से एक फॉर्मूला और बन गया। ऐसे ही सिमिलरली हम इधर से भी एक फॉर्मूला बना सकते हैं, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? वन। और इधर से भी एक हम फॉर्मूला बनाएंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल इधर से क्या हो जाएगा? वन। तो दोस्तों आपने देखे हैं, अभी आपने देखा है कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है? कॉसेक थीटा, वन अपॉन कॉसेक थीटा। और साइन थीटा और कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट कितना होगा? वन होगा। कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक थीटा का। और कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल वन। टेन थीटा क्या होगा? वन अपॉन कॉट थीटा। और टेन थीटा कॉट थीटा क्या होता है? वन। तो चलिए दोस्तों अभी हमने देखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या देखे थे? अभी हमने साइन थीटा देखा था, कॉस थीटा देखा था, टेन थीटा साइन का अपोजिट कोसेक देखा है अपन ने, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, और टेन का अपोजिट कॉट थीटा। तो इनके अभी मैंने आपको फॉर्मूले में बताया है, एक बार मैं वो फॉर्मूले को आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं और एक ट्रिक बता दे रहा हूं जिससे कि आप उसको इजिली याद कर सकेंगे। तो अभी मैंने आपके सामने फॉर्मूले क्या बताए थे, पहले एक ट्रिक बता दे रहा हूं जिससे कि आप फॉर्मूले को इजिली याद रख सकेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक टेबल बनाना है इस तरीके से, वन टू थ्री रो बनाना है, थ्री कॉलम,
इधर लिखना है आपको साइन थीटा, सेकंड कॉलम में लिखना है कॉस थीटा एंड थर्ड कॉलम में लिखना है आपको टेन थीटा। और सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखना है, इधर दो बात याद रखने हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब फर्स्ट वाले कॉलम में आप क्या लिखोगे, सेकंड कॉलम में क्या लिखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सेकंड रो में आपको क्या याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद, एंड थर्ड रो में क्या याद रखना है, हर हर भोले। तो पंडित का आपको पी से याद रखना है, पंडित बद्री का पी से और प्रसाद का पी से, तो ये पंडित बद्री प्रसाद। तो ये पंडित बद्री प्रसाद नहीं है, ये परपेंडिकुलर, ये बी फॉर बेस एंड पी फॉर परपेंडिकुलर। एंड थर्ड रो में आपको क्या याद रखना है, हर हर भोले, तो हर हर भोले का ये एच रहेगा, हर हर भोले, मतलब कि हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। अब इधर से हम, अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, वो लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, इधर से पी अपॉन एच, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बी अपॉन एच, एंड टेन थीटा क्या हो जाएगा पी अपॉन बी, टेन थीटा क्या हो जाएगा पी अपॉन बी। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, वन अपॉन कोसेक थीटा, और इसको ही मतलब हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक थीटा इक्वल वन अपॉन साइन थीटा। तो मतलब साइन थीटा क्या है, पी अपॉन एच, जब हमको इधर हम पी अपॉन एच रखेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, एच अपॉन पी। तो इधर से फॉर्मूला क्या बना, कोसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी। और सेकेंड हमने देखा था क्या, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन सेक थीटा। तो इधर से हम निकाल सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, जब हम कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे क्या, बी अपॉन एच, तो ये सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच अपॉन बी। सिमिलरली हम टेन में भी यही कर सकते हैं, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, वन अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा का इधर से हम जब सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा, वन अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा जब हम वैल्यू रखेंगे पी अपॉन बी, तो हमको कॉट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी बी अपॉन पी। तो इधर से हमारे पास फॉर्मूले आते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हम सिक्स फॉर्मूले इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते। चलिए दोस्तों हम देखते हैं, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और होते हैं, अभी हमने सिक्स फॉर्मूले पढ़े थे, सिक्स ये वाले फॉर्मूले पढ़े और सिक्स ये वाले फॉर्मूले। अब इस पे दो फॉर्मूले और होते हैं, वो आपको ध्यान से याद रखना है, ये मैं इधर लिख दे रहा हूं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। अब इसी से एक फॉर्मूला और बन जाएगा क्या, कॉस थीटा का। अब आपको मालूम है टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो ये भी उल्टे हो जाएंगे, मतलब रिवर्स में चल जाएंगे, कॉस ऊपर आ जाएगा और साइन कहां जाएगा, नीचे, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस अपॉन साइन। चलिए दोस्तों हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपको सारे फॉर्मूले का डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम देखते हैं एक एग्जांपल से जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डाउट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आपके सामने एक एग्जांपल दिया है जिसमें क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी टेन ए सेक ए कॉसेक सी कॉट सी। अब इसमें जो वैल्यू दी है, इधर तो ए दिया है, इधर सी दिया है, इधर ए इधर सी इधर सी, मतलब किसकी वैल्यू चेंज हुई है, एंगल की वैल्यू चेंज हुई है। और जब एंगल की वैल्यू चेंज होती है तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाते हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम देख ले रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या डाटा दिया है, उसमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले वो निकालते हैं। तो आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ए बी कितना दिया है 4, बी सी कितना दिया है 3, एसी नहीं दिया, एसी नहीं दिया मतलब क्या नहीं दिया, हाइपोटेनियस नहीं दिया। तो हम पाइथागोरस थ्योरम इधर लगाएंगे, यूज करेंगे इसका पाइथागोरस थ्योरम का बाय पीजी टी, क्या होता है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें हाइपोटेनियस की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे,
परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है कितनी 4, तो हम इधर किसका स्क्वायर कर लेंगे 4 का स्क्वायर कर लेंगे। बेस की वैल्यू दी है इसमें 3, तो हम इधर 3 लिखेंगे बेस की प्लेस पर, उसका स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और h स्क्वायर को एज इट इज लिखना है। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये 25 किसका स्क्वायर होता है, जब 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर बोथ साइड हम रूट लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो h की वैल्यू उधर से क्या आ जाएगी 5, मतलब हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमारे सामने तीनों साइड की वैल्यू है जिसमें 5, 3, 4 साइड की वैल्यू दी है, तो चलिए हम निकालते हैं जो हमको वैल्यू पूछी है वो। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था एक ट्रिक साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, क्या ट्रिक बताई थी आपको मैंने, बोलो एक बार, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो इधर से तो देखिए साइन थीटा का इधर से फॉर्मूला क्या बनता है, पी अपॉन एच, और हमको पहले साइन ही निकालना है तो साइन हम निकालते हैं। अब इधर आप सोचिए थीटा जब मैंने बताया था जब इधर होगा, इधर थीटा इधर होगा तो थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, और थीटा से साथ में जो एडजेसेंट साइड रहेगी वो क्या होगी बेस होगी, इधर पर ये 90 डिग्री रहेगा तो इधर पर ये इसके सामने वाली साइड क्या होगी हाइपोटेन्यूस। तो मतलब कि थीटा इधर रहे या थीटा इधर रहे हाइपोटेन्यूस तो चेंज नहीं होना, मतलब कि इधर जो हमारा हाइपोटेन्यूस रहेगा वो हाइपोटेन्यूस रहेगा ही, मतलब इधर से वैल्यू निकालें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या रहेगी ए सी, तो हमें इधर ए सी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा चाहे थीटा यहां पर हो या फिर थीटा यहां पर हो। अब बात किसकी हो रही है ए की, तो मतलब थीटा यहां पर होगा, तो थीटा यहां पर होगा तो हमको क्या चाहिए अभी साइन थीटा के फॉर्मूले से देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा ए के रिस्पेक्ट में थीटा के सामने वाला, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर इधर क्या हो जाएगा ये 3 मतलब बीसी, और हाइपोटेन्यूस है तो हाइपोटेन्यूस तो चेंज हो गई नहीं, तो मतलब ये एसी का एसी रहेगा, तो हम इधर पर वैल्यू रख दे रहे हैं बीसी की वैल्यू कितनी रख दे रहे हैं 3, और एसी की वैल्यू कितनी पुट कर दे रहे हैं अपन 5, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। अब हम वैल्यू निकालते हैं किसकी कॉस सी की, अब कॉस सी की वैल्यू निकालना है सबसे पहले कॉस थीटा का इधर से फॉर्मूला लिखिए क्या होगा बी अपॉन एच, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता मतलब हाइपोटेनियस जो है वो ही रहेगा, मतलब उधर क्या है हाइपोटेनियस एसी। अब अपन को बेस देखना है तो देखिए बेस क्या होगा सी के रिस्पेक्ट में, सी एंगल इधर है मतलब थीटा इधर है, तो थीटा के मतलब एंगल के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होगी, लेकिन अपन को बेस चाहिए तो सी के एडजेसेंट वाली साइड, और एडजेसेंट वाली साइड क्या है बीसी, तो इधर को हमको क्या लिखना पड़ेगा बीसी। अब बीसी की वैल्यू कितनी पुट कर दे रहा है अपन 3, और एसी की वैल्यू क्या पुट कर दे रहा है 5। तो आपको इधर से पता चला होगा कि एंगल इधर होगा और एंगल इधर होगा तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू चेंज होगी, जब एंगल इधर होगा तो बेस तो ये नीचे वाला रहेगा और परपेंडिकुलर ये वाली लाइन रहेगी, लेकिन जब थीटा इधर होगा मतलब एंगल इधर होगा तो इसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और इसके साथ वाली साइड को हम क्या बोलेंगे बेस बोलेंगे, ठीक है। और इधर से आप सारे फॉर्मूले लिख सकते हो, आप किसकी वैल्यू निकालनी है टेन की, तो टेन इधर से क्या हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन ए की वैल्यू निकालनी है। अब देखना ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर भी देखना है और आपको बेस भी देखना है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हुआ उसके सामने वाली साइड मतलब बीसी, और बेस क्या हुआ ए के साथ वाली साइड मतलब एडजेसेंट साइड ए बी, तो हम इधर से लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बीसी और बेस क्या हो जाएगा ए बी, तो बीसी की वैल्यू कितनी लिखेंगे 3, और ए बी की वैल्यू कितनी लिखेंगे 4। तो हमने साइन ए कॉस सी और टेन ए की वैल्यू निकाल चुके हैं, अब हम निकालते हैं सेक ए कॉस एक्स सी एंड कॉस सी की,
और इसी के बेस एक्सरसाइज आप 1.1 देखोगे तो सारे क्वेश्चन, अगर आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई तो आप सारी एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट थ्री। चलिए दोस्तों हम देखते हैं, तीन वैल्यू और बची हमारे पास, सेक की निकालना है, कोसेक सी की निकालना है, कोस सी की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम सेक ए की वैल्यू निकालते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना, सेक ए लिखेंगे हम। और सेक ए आपको मालूम है, अभी मैंने बताया था सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। तो इधर से कॉस की वैल्यू आप देखिए, कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, डी अपॉन एच। हमको वैल्यू किसकी निकालना है, सेक की, तो सेक क्या बन जाएगा इधर, एच अपॉन डी। तो सेक थीटा क्या होगा, एच अपॉन बी। अब हाइपोटेन्यूस तो सेम रहेगा, तो हाइपोटेन्यूस देखिए आप कौन सी साइड रहेगी, एसी। अब इधर से बेस निकालना है, और बेस निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो ए के रिस्पेक्ट में बेस मतलब एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस, उसके साथ वाला रहेगी साइड, तो साथ वाली साइड क्या है, एबी। तो हम इधर लिख लेंगे एबी। एसी की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 5, और एबी की वैल्यू कितनी रखेंगे हम उधर से देखकर, 4। तो सेक ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4। इसी तरीके से हम कॉस एक्स सी की वैल्यू निकालते हैं, कॉस एक्स सी। अभी मैंने बताया कि सेक तो कॉस का उल्टा होता है, अब ये कॉसेक आया है तो ये कॉसेक किसका उल्टा होगा, साइन का। तो साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। हाइपोटेन्यूस तो सेम रहेगा, मतलब एसी रहेगा। अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सी के रिस्पेक्ट में, तो ये सी है, तो सी के एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, मतलब कि ए भी क्या हो जाएगा इसका, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एसी की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 5, और ए बी की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 4। तो इधर से हम सेक ए को कॉस एक्स सी की वैल्यू निकाली है, अब किसकी वैल्यू और बची है, कॉट की। तो चलिए वो निकाल लेते हैं अपन। तो कॉट की वैल्यू हम निकालते हैं, अब कॉट किसका अपोजिट होता है, किसका उल्टा होता है, टेन का। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी। तो कॉट का क्या हो जाएगा, डी अपॉन, इधर लिख दे रहा हूं मैं, कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, डी अपॉन पी। अब इधर एंगल क्या है, सी। सी के रिस्पेक्ट में बेस और परपेंडिकुलर अपन को देखना है, तो सी के रिस्पेक्ट में सी अगर इधर रहेगा तो बेस ये रहेगा और परपेंडिकुलर ये रहेगा, मतलब सी के साथ वाली साइड बेस और सी के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, बीसी, और परपेंडिकुलर क्या होगा, ए। तो जैसे बीसी की वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं कितनी, 3, और ए की वैल्यू कितनी पुट कर दे रहे हैं, 4। इससे हमारी कॉट सी की वैल्यू आ गई 3/4। तो दोस्तों आपने एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखा, जिसमें मैंने कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए थे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर, तो आपने इजीली वैल्यू निकाली। अब इसकी हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे, जिसमें जो अभी मैंने बताया है उस पर ही बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ये वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।